thank mm -hmm. you हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी दोस्तों तारीख है उनतीस जून समय मॉर्निंग पाँच बजे पाँच बजे मतलब करंट अफेयर क्विज सो पाँच बजे आप मेरे साथ हैं दोस्तों करंट अफेयर क्विज के अंदर सो so, गाइज जल्दी से फटाफट से यार आज लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है और टारगेट रहेगा हमारा थाउजेंड के थाउजेंड का सॉरी नॉट थाउजेंड के तो एक हज़ार लाइक का हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों दो हज़ार बीस दो हज़ार इक्कीस और दो हज़ार बाईस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एप, ए, आपकी क्विज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बाकी साथ साथ मैं आपको बता दूँ दो दोस्तों सुमित मिट टेन आप जो नीचे देख रहे हैं मेरा कोड है इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे टू गेट दन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट ऑफ गाइज एक बड़ा धमाका बता देता हूं मैं आपको मैं एक नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूं दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस एक्सपायरेंट के लिए जो तैयार है मेहनत करने के लिए जो तैयार है मेरे साथ जुड़ने के लिए सो so, फटाफट आ जाइए मुझे ज्वाइन करना है आपको के उपर, सुमिट एंड कोड का यूज करना है सुमिट एंड कोड का यूज का दो फायदे हैं दोस्तों पहला जो फायदा है दैट इज डिस्काउंट डिस्काउंट इज द माइनर थिंग जिसके बारे में बात नहीं करूँगा ठीक है आप सिक्सटी फोर का थाउजेंड का टू ईयर का कोर्स आपको फिफ्टी सेवन थाउजेंड में मिलेगा और वन ईयर का कोर्स जो है दैट विल कॉस्ट यू फोर्टी फोर थाउजेंड विल

ओके गाइस सो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स हम स्टार्ट कर दिया हमने ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है यूपीएससी सी एस ई दो के लिए कोर्स मेरा चल रहा है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द फिफ्थ ऑफ जून और अभी हम अफ्रीका ऑलमोस्ट हमने खत्म करने पे आ गए हम सुमित सुमितेन मेरा प्रोमो कोड है आप यूज़ करेंगे अभी भी इसको ज्वाइन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे कंप्लीट आपको गाइडेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा बाकी फिजिकल जोग्रफी ऐसा नहीं कि आप जाओगे तो यही कोर्स है फिजिकल जोग्रफी का कोर्स है अपना इंडियन जोग्रफी का कोर्स है इकोलॉजी का कोर्स है सारे बहुत सारे कोर्स है बस आपको याद क्या रखना है याद रखना है सुमित टेन यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड सुमित टेन यू विल गेट द टेन परसेंट इंस्टेंट ऑफ आपको 10 परसेंट ऑफ मिलेगा ठीक है सो so गाइस याद रहेगा आपको अन अकेडमी पे आना है सुमित टेन को अपना अपनाना है सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो दोस्तों पहली सवाल पहला न्यूज बात करते हैं इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड अथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस बोलते हैं देखो अभी अभी कैबिनेट ने इन स्पेस को अप्रूवल दिया है इन स्पेस क्या है मैं अभी बताऊंगा इन स्पेस क्या देखो अभी तक भारत के अंदर जितनी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग आपकी चीजें होती थी वो इसरो देखता देखता था कौन देखता था कौन इसरो लेकिन अभी एक प्राइवेट कमर्शियल आर्म्स जो है वो हमने कर दिया है इन द नेम ऑफ इन स्पेस देखो अभी तक सारा पचास साल पुराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसरो सारे स्पेस लॉन्चिंग जितनी भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर्स हैं सब कुछ वही देख रहा था यार बट अब हमने सोचा कि भारत को आत्मनिर्भर हमें बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम स्पेस सेटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर के स्पेस सेंटर के अंदर हम लेके आएंगे इंक्लूड करेंगे सो दैट्स

अंतरिक्ष विभाग के तहत एक इकाई होगी जो निजी कंपनियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक प्लेइंग मैदान सुनिश्चित करेगी इट विल फंक्शन फंक्शनोमसली एंड पैरल टू द इसरो इसरो और ISRO के काम करेगा इट रेगुलेट एंड प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ रूटीन सेटेलाइट रॉकेट्स एंड स्पे कमर्शियल लॉन्च सर्विसेज थ्रू द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड द स्टार्टअप अगर मैं बात करूं तो यह कह रहा है इट विल रेगुलेट एंड प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ रूटीन सैटेलाइट आपकी रूटीन सेटेलाइट बनाई जाएंगी रॉकेट्स बनेंगे कमर्शियल लॉन्च होंगे है ना सर्विस थ्रू द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड के सारे काम इसके द्वारा आपको जाएंगे। Which of the above statement is given is जो करेक्ट है तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है? दोस्तों करेक्ट है देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसको बनाया जा रहा है पूरा और ये कंप्लीट लेवल प्लेइंग फील्ड होगा जो आपको इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है यहां पर ये ऑटोनोमस मतलब एक साइड इसरो अपना काम करेगा इन स्पेस अपना काम करेगा ये रूटीन वही रूटीन सैटेलाइट रॉकेट कमर्शियल सारे के सारे वही काम करेगा जो इसरो करता है ठीक है बट ये मेजरली प्राइवेट प्लेयर्स को क्या करेगा बढ़ावा देगा अभी अभी

इन स्पेस इन टाउटेड इज टाउटेड एज अ बॉडी दैट विल इन्श्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द प्राइवेट कंपनीज मैंने बताया ना मेन फोकस हमारा प्राइवेट कंपनी पे रहेगा यार बस हम चाहते हैं कि भारत का जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़े ग्रो करे तो हमने एक नया ऑर्गन बना दिया इन स्पेस जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देगा इट विल ऑल्सो इट विड होल्ड प्रमोट एंड गाइड दी प्राइवेट इंडस्ट्री इन देश द एनकर पॉलिसी इन फ्रेंडली रेगुलेटरी इवायरित करेगा किस को दोस्तों आपका? ये आपकी जो की एक्टिविटी है उनको एनकरेज करके फ्रेंडली एनवायरमेंट में उनको भी प्रोत्साहित करेगा अगला टॉपिक है दोस्तों भारत स्किल ई लर्निंग भारत स्किल ई लर्निंग जो है ये ऑनलाइन ई लर्निंग गेटवे है लर्निंग रिसोर्स लाइब्रेरी आप मान सकते इसको ये क्या चीज है पूरी तो, तो आपको देखने पता चलेगी कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भारत स्किल प्लेटफॉर्म क्या है इट इज अ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेनिंग डीजीटी का एक ट्रेन आपका एक प्लेटफॉर्म है डीजीटी मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीनियोरशिप के अंदर आता है ये बात बोली गई है पहले स्टेटमेंट में सेकंड क्या कह रहा है इट इज ए सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर द स्किल स्किलोवाइड द नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क कैरिकुलू एफ का जो नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क जो है उसका कैरिकुलम यहाँ पर प्रोवाइड करता है कोर्स मटीरियल वीडियोज ऑफ आई टी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये सब प्रोवाइड करता है तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है बोथ करेक्ट ठीक है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो डीजीटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ एक्सप्लेन करके है ना एक्सप्लेन में देख लो भारत स्किल भारत स्किल इज ए लर्निंग पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेनिंग डीजीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीन्योरशिप इनके अंडर में काम करता है ये एक सेंट्रल रिपोजिट्री है फॉर द स्किल विच प्रोवाइड्स नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क करिकुलम कोर्स मटेरियल वीडियो क्वेश्चन बैंक स्मोक टेस्ट फॉर द आई टी आई एन एस टी आई स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ये फ्री टू यूज है कोई भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है करंटली जो यहाँ कोर्स रिलेटेड है वो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग के हैं स्कीम्स एंड स्कीम्स एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम्स इज मेड अवेलेबल इन दिस प्लेटफॉर्म ये सारे प्लेटफॉर्म पर इस पर अवेलेबल है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ठीक है अब डीजीटी जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंट्रप्रीनरशिप के अंडर में काम करता है ठीक है ये किसके अंडर में काम करता है उद्यमिता मंत्रालय जो हमारा कौशल विकास और तो उद्यमिता मंत्रालय उसके अंडर में काम करता है और इसका पर्पस क्या है दोस्तों इसका पर्पस है कि अपने नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र के युवाओं को दीर्घकालीन संस्थागत प्रशिक्षण लागू करने के लिए एक जिम्मेदार ये आपका होता है है ना इट प्लेज अ की रोल्स इन एग्जीक्यूट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना एंड मेकिंग डिजिटल इंडिया ड्रीम बिकम्स अ रियालिटी तो इन सब के लिए दोस्तों इसको क्या किया जाता है आपका चलाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं स्किल बिल्डिंग इनोवेशन कैप आपने अभी देखा था ना स्किल रिग्नाइट प्रोग्राम स्किल बिल्ड रीगनाइट प्रोग्राम हमने बात की थी अगर आपको याद हो थोड़ा सा अगर आपको याद हो दिमाग चलाओ पीछे आई के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है ना याद आया कुछ कुछ ठीक है ठीक है उसी बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रप्रनियोरशिप हैज रिसेंटली एनविल्ड अ फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड री हाल ही में कौशल विकास और उद्यम मंत्रालयों ने किसके साथ मिलकर एक साझेदारी की है जिसमें मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसका नाम होगा कौशल बिल्ड रीग नाइट नाम होगा कौशल बिल्ड रीग और इस सप्ताह की एक सप्ताह दस सप्ताह की अवधि में कौशल निर्माण नवाचार शिविर का अनावरण किया गया है तो आपको बताना है कौन होगा सो दोस्तों यहां पर होगा सी सी मतलब आई बी एम आईबीएम होगा इसके अंदर ठीक है सो आई बी एम इसके अंदर होगा टू एड्रेस द करंट स्किल गैप इन द कंट्रीज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी आईबीएम एंड इट्स पार्टनर हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द स्किल बिल्ड रीग नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप स्किल बिल्ड इनोवेशन a इज अ टेन वीक प्रोग्राम विच सपोर्ट्स हंड्रेड आवर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टू लर्नर हु आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग हैंड ऑन द प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस टू learning द लर्निंग एंड आर build up दियर नेटवर्क देखो सिंपल सी बात है यार ये दस सप्ताह का कार्यक्रम है जिसमें जो सीखने वाले ना उनको सौ घंटे की एक संरिच, सं, आपका सं, संरचित संरिचित शिक्षा का समर्थन करता है और सीखने को बढ़ा मतलब ऐसे लोग यार जो चाहते हैं यार कि कुछ सीख के काम करने से पहले जब वो जॉब करें तो उनके पास पहले एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस हो तो वो ये चीज़ों को प्रमोट करता है है ना इसके अंदर क्या होगा एक्सपर्ट फैकल्टीज जो होंगी उनका गाइडेंस होगा मेरी तरह आई के वॉलेंटियर्स इसमें रोल करेंगे स्टूडेंट्स रहेंगे दे आर गाइडेड थ्रू द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एंड लर्निंग लॉजिक्स लर्न स्ट्रेटेजिक मैथड्स टू क्राफ्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडियलॉ आइडिएट क्रिएटिविटी सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मोर क्विकली डिज़ाइन इनोवेट सारी चीज़ें वहाँ पर रहेगी कहने का मतलब क्या है दोस्तों स्किल को एम्पावर स्किल को बढ़ाने के लिए है ना भारत के युवाओं की स्किल बिल्ड करने के लिए आई और डी का एक और प्रोग्राम आपका एक प्रोग्राम था स्किल बिल्ड रिग्नाइट जो मैंने बताया एक पिछला भी वही था ये भी है था देख रहे हो दोस्तों मेरे साथ ये क्या है गेहूँ गेहूँ के मामले में इस बार एक नया आपको मैं बता दूँ रिकॉर्ड एम ने जो है

उपोषण कटिबंधीय समशीतोषण क्षेत्र में विकसित हो सकती है और गंभीर ठंड और बर्फ को सहन कर सकती है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड दुनिया में दूसरा बड़ा व्हीट जो आपका गेहूं उत्पादक वो आपका कौन है दुनिया में वो है आपका भारत जो है वो दुनिया में दूसरा बड़ा गेहूं उत्पादक है आपको बताना है मैं आपको बताता हूँ दोनों की दोनों बात सही है गेहूं आपका 60 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है और जीरो डिग्री टेम्परेचर टोलरेट कर सकता है तो गेहूं बहुत ही वैरिड क्रॉप्स है टेम्परेट सब ट्रॉपिकल ठीक है सब जगहों पर ही उग सकता है मध्य प्रदेश दिस ईयर सरपाज पंजाब टू बिकम द नंबर वन कंट्रीब्यूटर वीट इन इंडिया सबसे ज्यादा जो है पंजाब पंजाब सबसे पंजाब है वीट इज कंसर्न पंजाब अभी भी आपका जो पर हेक्टेयर पर हेक्टेयर है ना एकड़ में कितना होता है उसमें अभी भी आगे पंजाब आगे चल रहा है वीट एक सीरियल क्रॉप है जिसमें मैंने बताया आपका बहुत वेरिड क्लाइमेट में हो सकती है ये बहुत सीवियर कोल्ड ठंड में भी हो सकता है और गर्मी भी सहन कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इट कैन कल्टिवेट फ्रॉम सी लेवल टू एज हाईस्ट तीन सौ तैतीस सौ मीटर तक के ऑल्टीट्यूड के ऊपर इसको उगाया मतलब सोच लो हाइट पर जाएंगे तापमान कम होता है ना तो कम टेम्परेचर के भी ऊपर उगाया जा सकता है भारत जो है आज दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट वीज प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया के अंदर ठीक है देखो अपना देश टेक अ प्लेस टू विजिट एट लीस्ट पंद्रह लोकेशन अक्रॉस द इंडियाज इन दो हज़ार बाईस देखो भारत के अंदर में अपनी डोमेस्टिक टूरिज्म इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने आगे ले जाने के लिए क्या किया गया दोस्तों इनक्रेडिबल इंडिया के तहत अतुल्य भारत के तहत ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देखो अपना भारत देखो अपना देश जो है वो स्कीम चलाई है क्या है पूरी बात चलिए पढ़ते हैं इट इज लॉन्स टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑन द सेवरल डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द इंडिया पूरे भारत की संस्कृति और विरासत की जानकारी के लिए कई स्थलों पर गहन ज्ञान प्रदान करने के लिए बेसिकली शुरू की गई है किसके द्वारा की गई इट इज ऑर्गेइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पागल है अभी तो बताया मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है वन स्टेटमेंट ओके, ओके है ओके की रिपोर्ट है ये किस लिए किया गया भारत की संस्कृति बहुत वेरिड भारत की संस्कृति कितनी वास्ट है यार भारत की विरासत कितनी वास्ट है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है ठीक है सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिसेंटली लॉन्च देखो अपना देश वेबनायर ऑफ टू ऑफर और टूरिज्म वर्चुअली टूरिज्म वर्चुअली आपको दिखाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है इट इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑन द सेवरल डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड हैरिटेज ऑफ इंडिया उद्देश्य क्या है दोस्तों भारत की संस्कृति और विरासत की जानकारी के साथ कई स्थलों पर गहन ज्ञान प्रदान करना ये इसका काम है इट विल अलाउ दी एक्सपो इट विल अलाउज़ दी वर्चुअल एक्सप्लोर अब ये अब तो सब कुछ बंद पड़ा है ना कोविड 19 है तो अब ये देखो अपना देश जो वेबनायर सीरीज हो रही है ना वेबनायर वेब के माध्यम से वेब वे, इंटरनेट के माध्यम से